Hello and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnakar and today we are going to cover four important writers of American literature: Sylvia Plath, Thomas William Parsons, Andrew Rich and Jens Ryder Randall. Okay, you can get my lectures at 8 p.m. on a daily basis. But video में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिसंबर एग्जाम में JRF लेने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना होता है. उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आई है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी. एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग से बनाया गया है. इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर मार्क्स के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके साथ आपको फुल सिलेबस नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा, जिसे आप इजीली अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे बात अच्छी बात इस कोर्स की ये है दैट यू आर गोइंग टू गेट पेपर वन कंप्लीट कोर्स फॉर फ्री. सो इट कॉस्ट 3600 रुपीज. सो यू डू नॉट नीड टू पे दैट. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सिल्विया प्लाथ और इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं जो हम करने वाले हैं, हम करते हैं. सबसे पहले जो है सिल्विया प्लाथ को कवर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो पीरियड है 1932 टू 1963, ये ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है. और दो तीन चीज़ मैं बता देती हूँ उनके बारे में. ये एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा क्लिनिकली डिप्रेस रही हैं बहुत टाइम तक, और उन्हें जैसे शॉक दिया जाता है ना मेंटल हॉस्पिटल में, लोगों को जो शॉक दिया जाता है वायर्स कनेक्ट करके, इनको बहुत ज़्यादा वो जो है उनसे इनकी ट्रीटमेंट हुई है. तो उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं. पॉस्थमसली भी बहुत सारे वर्क्स इनके पब्लिश हुए हैं. एक वर्क है जो कि उनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश हुई है, बाकी जितने भी कलेक्शन उनके हस्बैंड ने पब्लिश कराई है, ठीक है. ये इतनी बेसिक जो जानकारी है मैंने आपको दे दी. उसके अलावा दैट उन्होंने अपने आप को खुद ही ने मार लिया था 1963 में, जैसे यहाँ लिखा है. ओके, नाउ अमेरिकन पोएट है, नॉवल लिखा है इन्होंने, शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखी है. तो पोएट एंड नॉवल्स इम्पोर्टेंट है, विल कवर दैट. देखिए बहुत कन्फेशनल पोएट्री पहले से भी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा एडवांस किया उसमें और थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की है. तो सिल्विया प्लाथ के वजह से भी कन्फेशनल पोएट्री जो है ना, जिसे कन्फेस करते हैं राइटर्स, तो वो फेमस हो गई. बेस्ट जो इनके दो वर्क्स थे, दोनों कलेक्शंस हैं, द कॉलिसिस एंड अदर पोएम्स, इट वॉज पब्लिश इन 1960 एंड एरियल 1965. तो एरियल पूरे कलेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनको आपको कवर करना है, तो मैं आपको वो बता दूंगी. देखिए द कलेक्टेड पोएम्स के वजह से ना इनको पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री मिला था 1982. तो पोएट्री इस पर्टिकुलर कलेक्शन के वजह से पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री मिला है. तो ये ध्यान रखना है कि कब मिला है, कौन सा वर्क मिला, प्राइज मिला है और कौन से वर्क की वजह से मिला है. जैसा मैंने बताया ना, टेड ह्यूग से शादी की थी. जब हम लोग आगे लेक्चर्स और यूनिट्स कवर करेंगे ना, विल टॉक अबाउट हिम ऑल्सो, ठीक है. सो सबसे पहले समझिए कि द कॉलिसिस एंड अदर पोएम्स 1960 में पब्लिश हुई है, और बहुत सारे इसमें पोएम्स हैं जो आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं कि अच्छा कौन कौन से फेमस पोएम्स थे, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको कवर करना है नाम, ठीक है ना. यही एक पर्टिकुलर पोएम है, पोएम पोएट्री कलेक्शन है, जो इनके डेथ के पहले पब्लिश हुई है. उसके बाद तो जितने भी वर्क्स पब्लिश हुए उन्होंने टेड ह्यूग्स ने किए हैं या फिर बाद में हुई है, ठीक है. इनके बारे में, इस पर्टिकुलर वर्क के बारे में सीमस हेनी ने कहा है that on every page a poet is serving notice that she has earned her credentials and know her trade. On every page a poet is serving notice that she has earned her credentials and knows her trade. Okay, so second जो जितने भी मैं यहाँ पे poems दिखाऊंगी ना, वो एक poetry collection का part है, ठीक है, जिसका नाम है Ariel, जो कि 1965 में publish हुई है, 1965 में. Okay, so ये सारे जो poems हैं वो उसके पार्ट हैं, उसके कलेक्शन का हिस्सा हैं. तो ये आप समझिए कि एरियल एक पर्टिकुलर पोएम भी थी और एरियल पोइट्री कलेक्शन का नाम भी है. ओके, ये बेसिकली कंपोज हुई है टर्सेट में, दिस इज ऑफ टर्सेट, टर्सेट बोलो या फिर आप बोलो कि तीन लाइन स्टांजास है, ठीक है, तो दोनों एक ही होती है, थ्री लाइन स्टांजास विद एन एडिशनल सिंगल लाइन एट द एंड. एक तो थ्री लाइन स्टांजास है, उसके साथ एक एडिशनल सिंगल लाइन है, और अनयूजुअल स्लैंटेड राइम स्कीम यूज की गई है पूरे पोएम में, ये ध्यान रखना है. बट आपको बेसिक आइडिया भी लेना है कि एरियल किस बारे में है, उतना बताना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, ठीक है. सेकंड है द एप्लीकेंट विच वॉज पब्लिश 1963, ठीक है. वेट, नाउ
ये आप बस याद रखिए, यदि एप्लीकेंट एक 1963 का है। हाँ, और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ना इसे पब्लिश कराया गया था एज सिंगल वर्क, तो ये 1963 की थी, बट बाद में जो है 1965 वाले जो कलेक्शन था ना एरियल, उसमें इंक्लूड कर दिया गया था ये, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, नाउ फोर्थ है लेडी लेजारिस, विच वॉज ऑफकोर्स 1965। तो पूरी जो पोएम है 28 वर्सेस स्टैंजास में डिवाइड की गई है और फ्री वर्स में लिखा है, तो ये बात और ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये पर्टिकुलर वर्क जो है, पोइट्री जो है, कन्फेशनल पोइट्री के जॉनरा में आ जाती है। राइटर ट्राई कर रहा है कि कुछ कन्फेस किया जाए, तो इसकी जो पोइट्री है, जो भी समरी है या कंटेंट है, मेन आइडिया है, वो आपको करना है। फिफ्थ है टुलिप्स 1965, 9 stanzas in 63 lines, ठीक है, 9 stanzas है, पूरी जो लाइन है वो 63 लाइंस की है। अब टेड ह्यूक्स ने बेसिकली कहा है, वो तो शी वॉज नॉट देयर ना जब ये पब्लिश हुई, तो टेड ह्यूक्स ने ही कहा कि टुलिप्स बेसिकली उन्होंने किसी चीज़ से इंस्पायर होके लिखी थी। जब वो हॉस्पिटल में थी ना, तो उन्हें किसी ने शायद टुलिप्स दिया था, तो उस फ्लावर को देख के उन्होंने ये पर्टिकुलर पोएम लिखी, ठीक है। अब ये आपको उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया, फिर भी आप इसे पढ़िए, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट लाइन पूछ लेते हैं, लास्ट लाइन पूछ लेते हैं, है ना, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली आपको भी याद रहेगा। सिक्स जो वर्क है डैडी, डैडी बेसिकली ना वो अपने ही फादर से थोड़ा इंस्पायर होके, अपने फादर के साथ जो उनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था ना, उससे इंस्पायर होके ये पर्टिकुलरली लिखती हैं, लेकिन मेटाफर होलोकॉस्ट को रखती हैं, ठीक है, होलोकॉस्ट को यूज़ करके ये पूरा रिलेशन बताने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा देखिए, उनका नाम था कॉन्ट्रोवर्शियल मेटाफर है ये, और ऑटो प्लाथ उनके पिता का नाम है, ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। नाउ द बेल्स आर को ना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पूरी जो समरी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। वर्क तो आप अभी, आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा जो बुक है ना वो पढ़ो, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें जाननी है अभी। नाउ ओनली नॉवल है जो इन्होंने लिखी, ठीक है, बट अपने नाम के साथ इन्होंने नहीं लिखी थी, विक्टोरिया लूकस नाम से इन्होंने सूडोनेम यूज़ किया था। बहुत सारे राइटर्स थे पहले यूज़ करते थे, बहुत खुद से करते हैं, खुद मतलब मजबूरी में भी करते थे। एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन को भी दिखाती हैं इस पर्टिकुलर वर्क में, कि वो डिप्रेशन से सफ़र करी थी। नाउ पूरी जो स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है एस्थर, लेडी है ये, गर्ल है, वो पूरा सफ़र करती हैं डिप्रेशन वगैरह से, तो उसके बारे में बात होती है। रोमनिक लेव, जैसा मैंने बताया था ना कि अगर रियल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्चुअली में सिल्विया प्लैथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो समटाइम्स रोमनिक लेव को की तरह भी इसे जो है रेफर किया जाता है, ठीक है। नाउ एस्थर ग्रीनवुड की स्टोरी है, एक यंग वुमेन है अपने आइडेंटिटी से, जैसे हम लोग कितना खुद भी परेशान रहते हैं, अभी ऐसा एरा आ गया है कि बहुत सारी चीज़ों से हम थोड़ा परेशान ही रहते हैं कि नहीं, वेदर आई एम गुड इनाफ नॉट, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनके साथ जो आइडेंटिटी क्राइसिस की सिचुएशन थी, मेंटल हेल्थ उनका बिगड़ा हुआ था, वो एक्चुअली में इंटर्न की तरह काम कर रही थी न्यूयॉर्क सिटी मैगजीन में, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। और उसी टाइम जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके, डिप्रेशन से, सोसाइटल प्रेशर्स जो होते हैं, जैसे वुमेन 1950s में किस तरह की चैलेंजेस फेस करती थी, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर वर्क से, ठीक है। अब एस्थर की मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, ख़राब होने के साथ तो वो ना अपने आप को ना एज अ बेलजार में ट्रैप समझती है, कि जैसे एक बेलजार हो गया ना इस तरह का, इसमें आप बंद हो, कैसा महसूस करोगे। तो शी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू रिप्रेजेंट कि हाँ, ये इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है, पूरा आइसोलेट है, वर्ल्ड से जुड़ी हुई नहीं महसूस कर रही है। बहुत सारी चीज़ों को जो है ये बुक डील करती है, जैसे थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, मेंटल इलनेस ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन, द सर्च फॉर सेल्फ डिस्कवरी। सोचिए कि कितने पहले के टाइम पे भी लोग इस तरह की सिचुएशंस के बारे में बात करते थे, ओके, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अच्छा ऐसा होता भी है, ठीक है। नाउ सेकेंड जो राइटर हैं, थॉमस विलियम पार्सन है, बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एक दो वर्क है इनका जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो याद ना रखें, 1819 टू 1892 के बीच में है ये, इतना ध्यान में रखिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं याद रखिए, ड्यूरेशन याद रखिए। अमेरिकन पोएट है, और दांते के डिवाइन कॉमेडी को ना इन्होंने
ट्रांसलेट किया था, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. स्कॉलर रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, जो क्लासिकल पोएट ऑफ कोर्स दांते, ठीक है, तो उनके वर्क्स तो बहुत फेमस है. उसके बाद तो कितने वर्क्स ट्रांसलेट हुए हैं, कितने लोगों ने ट्रांसलेट किया है, ठीक है. तो इनके दो वर्क हैं जो कि आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट है द फर्स्ट 10 कैंटोज ऑफ द इन्फर्नो ऑफ दांते 1843, द फर्स्ट 10 कैंटोज ऑफ द इन्फर्नो ऑफ दांते 1843, एंड द सेकेंड पोएम्स 1854. ओके, पोएम्स 1854. नाउ मूविंग ऑन, एनरी ने रिच के बारे में बात करते हैं. 1929 टू 2012 अमेरिकन पोएट हैं. फेमिनिस्ट वर्क्स में भी इन्होंने इंक्लूड किया है, फेमिनिस्ट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं. इन्हें 20th सेंचुरी की जो है इन्फ्लुएंशियल पोएट माना जाता है, और वाइडली रेड, मोस्ट वाइडली रेड राइटर्स में गिनी जाती हैं ये. इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, लेस्बियन कंटिनम. मैं आपको बता देती लेकिन थोड़ा आप काम करो, ठीक है. लेस्बियन कंटिनम अगर आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे सर्च, सॉरी कमेंट करके बता देना. मैं बोल रही हूँ सर्च करके बताना, कमेंट करके बताना. ओके, सबसे जो ज़रूरी वर्क है, सिंगल वर्क आपको जानना है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स. ये आई थिंक हमारे स्कूल सिलेबस में था, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर वर्क जो है, पोएम जो है, बहुत सारी चीज़ों को ना रिप्रेजेंट करती है. आंट जेनिफर एक मेन कैरेक्टर हैं. आंट जेनिफर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वुमेन है जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मैरिज में ना फंस गई हैं, ठीक है. और टाइगर को निडल वर्क से, शी क्रिएट्स वाइब्रेंट टाइगर थ्रू हर निडल वर्क. एंड टाइगर बेसिकली सिंबलाइज करता है कि कितना दिल से वो चाहती हैं कि उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें पावर मिले. लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन ये है कि शी इज़ एक्चुअली ट्रैप्ड इन अ रिस्ट्रिक्टिव मैरिज. बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रही होंगी. तो टाइगर तो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, ऑफकोर्स. जब रोर करता है तो कैसा होता है, हम लोग मजाक में भी बोलते हैं ना, मजाक में बोलते हैं, इंस्पायर करने के लिए बोलते हैं, तो शेर है हमारा. तो इट्स अ वेरी, इट्स एक्चुअली शोज अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम, है ना, डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड पावर. नाउ जेम्स राइडर रैंडल 1839 to 1908. अब आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ एक वर्क करना है, मैरीलैंड माय मैरीलैंड. अमेरिकन पोएट है. मैरीलैंड माय मैरीलैंड बेसिकली क्या है ना, जैसे कि हम अपने इंडिया के लिए गाते हैं ना गाना, देशभक्ति बहुत सारे सॉन्ग से आती है, तो उसी तरह से जो है मैरीलैंड माय मैरीलैंड जो है पोएट जो है एड्रेस कर रहा है मैरीलैंड को एज अ मदर फिगर. हम लोग बोलते हैं ना भारत माता, तो उसी तरह से वो मैरीलैंड को जो है एज अ मदर फिगर कर रहा है रिप्रेजेंट. बट इनकरेज कर रहा है लोगों को, स्टेट को, टू राइज अगेंस्ट परसीव्ड ऑपरेसर. जितने भी ऑपरेशन्स चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए इनकरेज करता है ये पर्टिकुलर पोएम. बट प्रॉब्लम इस पोएम में ये हो जाती है ना कि जितना ये पॉपुलर होने लगता है ना, उतना वो मैरीलैंड को एज अ डिफरेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, बनाने की कोशिश करता है, टू सीसीड, इसे करने की कोशिश करता है यूनियन से अलग. तो ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है इसके वजह से. बट बाकी ये एक तरह का देशभक्ति वाला पोएम है, ठीक है. नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द राइटर्स टुडे एंड थैंक यू वेरी मच. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.